हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन रनिंग वेबसाइट। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा क्रोम वेब ब्राउज़र की, और जिसमें कि हम लोग बात करेंगे आप क्रोम एक्सटेंशन का, जिसमें कि आप देख सकते हो गूगल क्रोम वेब स्टोर। तो गूगल क्रोम वेब स्टोर मीडियम के माध्यम से आप अपने पीसी में बहुत सारे वेरियस यूटिलिटी और एप्लीकेशन फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास गूगल क्रोम नहीं है तो आप उसको इंस्टॉल करिए। इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन करिए और यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए क्रोम वेब स्टोर या क्रोम वेब स्टोर एप्स फॉर गूगल क्रोम। इसको आप प्रेस कर दोगे तो इस तरह से कुछ यूज़र इंटरफेस आएगा, जिसमें आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा होगा आपका ऑप्शन क्रोम वेब स्टोर, और यहाँ पर दैट इज़ योर एक्सटेंशन। एक्सटेंशन वो फाइल होती है जिसके थ्रू यहाँ पर एग्जीक्यूट होने के बाद कोई भी हम लोग जो यूज़ कर रहे हैं ऐप्स, इसको आप एग्जीक्यूट करेंगे तो ये एक्सटेंशन यहाँ पर आपका सिंबल्स के रूप में रिप्रेजेंट हो जाएगा, और जिसको आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो। तो और यहाँ पे देखिए, बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन योर थीम्स। तो आप यहाँ पे क्रोम वेब स्टोर जो है आपका, इसकी थीम आप यहाँ से आसानी से बदल सकते हैं। कैटेगरीज की बात कर लेते हैं तो इसमें दो ऑप्शन हैं, एक है ऑल आर्टिस्ट बाय और एक है आपका बाय गूगल के द्वारा जो आपको प्रोवाइड की जाती है। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। तो क्रोम वेब स्टोर जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप वेरियस एप्लीकेशन यूज़ करने के लिए इन पीसी वर्जन, मोबाइल के लिए हम लोग के पास प्ले स्टोर होता है, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर पीसी में वेब स्टोर के माध्यम से काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको पहले क्रोम वेब ब्राउज़र आपको डाउनलोड करना है, उसको ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको गूगल पे टाइप करना है क्रोम वेब स्टोर, और आपको इस तरह से गूगल पे टाइप करना है आपको क्रोम वेब स्टोर, क्योंकि मैंने आपको बताया, और उसके बाद आपको इस तरह से गूगल क्रोम वेब स्टोर इसको प्रेस करना है और ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसे कि हम लोग एक एक करके इसके सीरीज को स्टडी आउट करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं, देखते हैं कि आखिर ये कैसे वर्क करता है क्रोम आपका वेब स्टोर में एक्सटेंशन फाइल। तो आप सपोज़ हम कोई भी यूज़ कर लेते हैं, सपोज़ हम यूज़ कर लेते हैं स्पीड टेस्ट बाय ओगला, इसको अगर हमको यूज़ करना है एज ए क्रोम वेब स्टोर के थ्रू, तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडर कितने हैं और यहाँ पर इसका एक्सटेंशन फाइल मिल गया। तो इसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपली ये लिखा है जो एडिट एड टू क्रोम, इसको आपको प्रेस करना है और यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि ऐड एक्सटेंशन। अब देखिए दोस्तों, जैसे ही मैं ऐड एक्सटेंशन में जाऊँगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास यहाँ पर लेबल्ड आ गया स्पीड टेस्ट बाय ओगला टेस्ट हैज़ बीन एडेड टू द क्रोम। अब यहाँ पे देखिए, दिस वन योर एक्सटेंशन फाइल। अब जैसे ही मैं इस एक्सटेंशन पर टिक करूँगा, मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ जाएगा स्पीड टेस्ट बाय ओगला। अब इसको मैं इसको प्रेस करके सिंपली आराम से मैं इस एप्लीकेशन का यूटिलाइजेशन कर सकता हूँ। तो दोस्तों देखा कितना कितना यूज़फुल है, कितना इजी स्टेप्स है कि आप कोई भी एप्लीकेशन जो होगा, स्पीड टेस्ट प्रो, नेट स्पीड, स्पीड टेस्ट, इंटरनेट स्पीड टेस्ट, स्पीड टेस्ट इंटरनेट, और भी एनी अदर एप्लीकेशन आप आसानी से यूज़ कर सकते हो। बस आपको सिंपल क्रोम वेब स्टोर एक्सटेंशन को प्रेस करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैनेज एक्सटेंशन स्पीड टेस्ट बाय ओगला, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पर अलाउ है। और सपोज अगर आपको ये एप्लीकेशन को अनयूज़ करना है, इसको यूज़ नहीं करना है, तो आप क्या करोगे, सिंपली आपको यहाँ से, एक तो यहाँ से सिंपल सा ऑप्शन आएगा, यहाँ से आप हटा सकते हो इसको। यहाँ प्रेस करने के बाद इस थ्री डॉट पर आप टिक करके रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो यहाँ सबसे पूछेगा ऑप्शन यहाँ पर रिमूव, तो आप यहाँ पे दे सकते हो यहाँ आपके इस एक्सटेंशन पर ये जो है वर्जन स्पीड टेस्ट बाय ओगला आपका नहीं होगा। तो दोस्तों क्रोम वेब स्टोर पीसी के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, और इसमें आपको बहुत से एप्लीकेशन मिलेंगे जिनके हम लोग डे टू डे बाई मैं आपको उसके वेब स्टोर फंक्शंस के बारे में बताऊँगा। अभी मैंने आपको बताया कि क्रोम वेब स्टोर क्या होता है, किस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं और कितना सिंपल टू यूज़ है। सिंपली आपको इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल करने के बाद ऐड टू क्रोम करना है, और यहाँ से हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर सकते हैं।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।